अपने मोबाइल के डायलर में किसी पिक्चर को कैसे सेट कर सकते हैं गैलरी से लेके यही आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और फिर से ठीक 100% काम करते हैं हर एक एंड्रॉयड मोबाइल में। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो 100% ये ठीक आपके मोबाइल में काम करेगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड में जाके मैं आपको बताऊंगा इस डायलर को अपने फोन के ऐसे डिफॉल्ट डायलर कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट के मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने डायलर में आप कैसे पिक्चर को सेट कर सकते हैं गैलरी से लेके। तो फ्रेंड्स अपने फोन की डायलर को चेंज करने के लिए आप सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करते ही आप अगर माई फोटो फोन डायलर करके सर्च करते हैं तो ये ऐप जो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप आके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस ऐप के बारे में कुछ चीजें आप देख लीजिए, जैसे कि इसका साइज जो है 3.4 MB है, बहुत ही छोटा है और 1 मिलियन प्लस लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। और फिर सबसे जरूरी जो चीज है वो आप देख लीजिए 4.6 रेटिंग है इस ऐप का और ज्यादातर लोगों ने 5 स्टार रेटिंग और अच्छा अच्छा कमेंट या फिर रिव्यू इस ऐप के बारे में दिए हैं। तो चलिए फिर झटपट में इस ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूँ और तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये वाला जो फोन कॉल आपको सॉरी कॉल फोन जो आपको दिख रहा है ये हमारा मेन ऐप है। ये वाला आप इंस्टॉल करेंगे तो इस ऐप का जो सेटिंग है ये सब ऐप है इसका, ये वाला ऑटोमेटिकली आपके फोन में आ जाएगा। आप सेटिंग में जो जो चेंजेस करेंगे वो आपको मेन ऐप में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहे क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हमारा जो मेन ऐप है मतलब कॉल फोन वाला इसको आपके फोन के ऐसे डिफॉल्ट डायलर कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं आप डायलर में इमेज कैसे लगा सकते हैं मतलब की इस नए वाले डायलर। इसके लिए आप सेटिंग ऐप को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ऐप को ओपन करके आपको यहाँ पे स्टाइल कस्टम स्टाइल करके ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट में उसको ओपन कर लीजिए, उसको ओपन करके आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा मतलब कि ऐप का डिफॉल्ट डायलर वॉलपेपर है। यहाँ पे ऐसा एक लाइव वॉल पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एक पैनल दिख रहा है उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। उस पैनल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस या फिर लाइव वॉल पर दिया हुआ है बट मेरा इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, इंटरनेट पैक खत्म हो गया इसलिए नहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली पिक इमेज पे क्लिक करूंगा। पिक इमेज पे क्लिक करती आपके यहाँ पे फिर से पिक इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करती आपके यहाँ पे गैलरी जो है ओपन हो जाएगी, वहां से आप किसी भी एक इमेज को चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं ये वाली इमेज को आलिया भट्ट की इमेज है मैं उसको चूज करता हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अप्लाई पे क्लिक करती आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली अप्लाइड या फिर मैसेज आ चुका है। यहाँ पे आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली होम स्क्रीन पे चले जाए। होम स्क्रीन पे जाने के बाद आप उस ऐप को ढूंढिए जहाँ पे आपका ऐप जो है इंस्टॉल है, जैसे कि मेरा ऐप यहाँ पे इंस्टॉल है। यहाँ पे आप कॉल फोन ऐप को ओपन कर लीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऐप के अंदर जो है डायलर है, डायलर के अंदर मेरा सॉरी यहाँ पे आलिया भट्ट का पिक्चर जो है आ चुके हैं। ऐसे करके अपना पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ इस ऐप को आप डिफॉल्ट डायलर कैसे सेट कर सकते हैं अपने फोन में। इसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, इस आपका जो डायलर है मतलब कि आपका डिफॉल्ट डायलर जो कि आपका, उसको आप सिंपली किसी फोल्डर के अंदर छुपा दीजिए। जैसे कि मैं आप छुपा रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर छुपा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए आप उस डायलर को ले आइए, जैसे कि मैं यहाँ पे डायलर ले आता हूँ, डायलर को ले आके यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ तो कोई भी ऐसे किसी को भी पता नहीं चलेगा, कोई भी आपको आपके फोन से फोन करने जाएगा तो यही वाला डायलर जो ओपन कर लेगा। ओपन करने के बाद वो नंबर वगैरह टाइप करने जाएगा तो एकदम चौंक जाएगा कि अरे इसका डायलर तो बहुत अलग टाइप का दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अलग टाइप का डायलर जो है दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप इस डायलर को ऐसे डिफॉल्ट डायलर आपके फोन का सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये सब चीजें करने में किसी भी टाइप की दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको आंसर जो है कर दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।